तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है द मॉस ट्रिप। ये मूवी एक अम्यूजमेंट पार्क और कुछ दोस्तों के बारे में है, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये लोग कैसे इस अम्यूजमेंट पार्क में फंस जाते हैं और वहाँ पर कौन इनके पीछे पड़ जाता है। तो चलिए अब भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर रेबेका नाम की एक लड़की को लॉकअप रखा गया था, जिससे पुलिस ऑफिसर कोल और मार्श पूछताछ कर रहे थे। फ्राइडे द 13th को एक अम्यूजमेंट आर्केड में रेबेका के सभी दोस्तों को और कुछ लोगों को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार दिया गया था। उनमें से सिर्फ रेबेका ही जिंदा बच पाई थी। उन मर्डर्स का न तो कोई आई विटनेस था और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज था, तो इसलिए पुलिस रेबेका को ही किलर समझ रही थी। रेबेका उनसे कह रही थी कि वो किलर नहीं है, क्योंकि किलर ने उसके एंकल पर भी वार किया था। लेकिन पुलिस उस पर कैसे बिलीव करे, किलर ने इतने सारे लोगों को ब्रूटली मारकर सिर्फ उसे जिंदा क्यों छोड़ा होगा। और बात रही तो उसके जख्मों की, तो रेबेका खुद से भी लगा सकती है ताकि उसे कोई भी किलर नहीं समझे। पुलिस रेबेका पर जरा भी विश्वास नहीं कर रही थी, तो इसलिए फ्राइडे द 13th को जो हुआ वो सारी बातें रेबेका पुलिस को बताने लगती है। अब रेबेका अपनी कहानी की शुरुआत करती है एलेक्स से, जो कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड थी। एलेक्स उसे अम्यूजमेंट आर्केड में काम कर रही थी और इसी अम्यूजमेंट आर्केड में वो और उसके सारे दोस्त बचपन में आकर खेला करते थे, इसलिए यहाँ की हर एक चीज़ का पता एलेक्स को था। बस कभी कभी बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाया करता था। वहीं पर जायना नाम की एक लड़की उसके साथ में काम करती थी। फ्राइडे 13th को उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद दोनों घर जाने वाले थे कि उसी समय उनका बॉस साइमन उनको नाइट शिफ्ट करने का बोलता है, क्योंकि 8 लोगों के लिए उनके अम्यूजमेंट आर्केड को बुक कर लिया गया था। वे लोग बस 2-3 घंटे पार्टी करके वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एलेक्स और जायना बहुत थक चुकी थी और वो घर जाना चाहती थी। तब साइमन नाइट शिफ्ट के लिए उन्हें डबल पे करने की बातें कहता है और इसलिए दोनों नाइट शिफ्ट करने के लिए मान जाती है। इसके बाद में साइमन जाता है थिएटर रूम में और एलेक्स और जायना साफ सफाई करने लगते हैं। थिएटर में साइमन मिकी माउस की फर्स्ट एडिशन फिल्म देखने लगता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में थी, और उसी थिएटर के एक ग्लास बॉक्स में एक ओल्ड क्रीपी मिकी माउस का मास्क रखा हुआ था। अचानक से साइमन को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि फिल्म से तो नहीं आ रही थी। आसपास पे साइमन को कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए वो बहुत ही डर जाता है। उसी समय कोई उसके कानों के पास में हाय बोलता है, जिससे डरकर साइमन के हाथ से ड्रिंक एक वायर पर गिर जाता है और प्रोजेक्टर की लाइट फ्लिकर होने लगती है और वही लाइट धीरे धीरे रेड होती जाती है, जो कि साइमन को पजेस कर लेती है। उसी समय मिकी माउस का क्रीपी मास्क उसे अपनी तरफ बुला रहा था, तो इसलिए पजेशन की हालत में वो उस मास्क की तरफ खींचा चला जाता है। इधर जायना एलेक्स को अपने एक डेट के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि आज जायना को किसी भी हालत में उस लड़के से मिलना था, इसीलिए वो सिर्फ 1.5 घंटे के लिए डेट पर जाना चाहती थी। वो एलेक्स से प्रॉमिस करती है कि वहाँ से आकर वो क्लीनिंग का काम कर देगी। एलेक्स को वहाँ पर अकेले नहीं रहना था, पर जायना की खुशी के लिए वो उसे जाने देती है। अब जायना के जाने के बाद में एलेक्स वहाँ के गेम्स को खेल कर टाइम पास कर रही थी। कुछ देर के बाद में उसे किसी का कॉल आता है, पर दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं आती है और इसीलिए वो उस कॉल को इग्नोर कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकी माउस का मास्क पहने कोई पर्सन एलेक्स के ऊपर नज़र रखे हुए था और हम जानते हैं कि वो पर्सन साइमन होगा, क्योंकि कुछ देर पहले उस मास्क ने साइमन को पजेस कर लिया था। लेकिन फिर भी हम उसे इविल मिकी माउस ही बुलाएंगे। अब एलेक्स को किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब उस आवाज़ का पीछा करके बैकडोर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर उसे वही इविल मिकी माउस दिखाई देता है, जो कि डोर को चेन से लॉक कर रहा था। उसे देखकर एलेक्स वहाँ से भागती है कि तभी वो अपने सभी चाइल्डहुड फ्रेंड के सामने आ जाती है, जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर आए थे। हालांकि एलेक्स का बर्थडे 2 वीक के बाद में था, लेकिन वे लोग एलेक्स को एक सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे और इसीलिए उन लोगों ने पूरा अम्यूजमेंट आर्केड ही बुक कर लिया था। एलेक्स को लगा था कि वो इविल मिकी माउस उसके दोस्तों का ही एक प्रैंक होगा, तो इसलिए उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर इसके बाद में सभी लोग एलेक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर वो लोग वहाँ के गेम को खेलने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रायन एक प्लेबॉय है, जो कि एलेक्स को फंसाकर अपने सेक्सुअल नीड को पूरी करने के चक्कर में है। रायन का कैरेक्टर मार्कस, डेनी और पॉल को पहले से पता है, तो इसीलिए वे लोग जितना हो सके एलेक्स को रायन से दूर रखेंगे। ऊपर से मार्कस एलेक्स को लाइक करता है, तो इसलिए भी वो एलेक्स को लेकर बहुत पॉसेसिव था, पर उसे अब तक एलेक्स की फीलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उसमें हिम्मत थी कि वो खुद एलेक्स को अपने फीलिंग्स बता पाए। वे लोग एलेक्स और रायन के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी पॉल को उसके गर्लफ्रेंड गेमा एक रूम की तरफ बुलाती है।
पॉल भी उसके पीछे चला जाता है और वहाँ पर वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। इस बीच में गेमा को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है, लेकिन पॉल की वजह से गेमा उस चीज़ को इग्नोर करती है। बस उसी समय इविल मिकी माउस वहाँ पर आकर उन दोनों का गला काटकर उन्हें जान से मार डालता है और बाहर जितने भी लोग थे उन्हें इस बात का ज़रा भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर रैन अपने कुछ फ्रेंड को कॉल करके मार्कस को बुरी तरीके से पीटकर सबक सिखाने को कहता है ताकि वो उसके और एलेक्स के बीच में ना आए। रैन के सभी दोस्त एम्यूजमेंट टारगेट के पास वाले बार में ही ड्रिंक कर रहे थे, तो वहीं जैकी उन सबके फोटोज खींच रही थी। तब एलेक्स उसे ऐसा करने से मना करती है, नहीं तो उनके बॉस को पता चल जाएगा कि वो ड्यूटी के टाइम पर पार्टी कर रही है और उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तब रैन उन सबके फोन एक प्लास्टिक बैग में रखकर पास के टेबल पर रख देता है ताकि वे लोग अच्छे से पार्टी को एंजॉय कर पाए और उनमें से कोई भी फोन पर बिजी नहीं रहे। उसी समय एलेक्स भी एक एडवाइस देती है कि वे लोग ड्रिंक करेंगे, वो जो भी अपना फोन लेने पहले जाएगा वो ड्रिंक के बिल पे करेगा। फिर सभी लोग गेम खेलने और ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर रिबेका एलेक्स और रैन को एक साथ देखकर जिलस फील कर रही थी क्योंकि वो एलेक्स को लाइक करती थी और वो एक लेस्बियन थी। उसके एलेक्स को लाइक करने वाली बात आज जाकर मेरी और जैकी को पता चली थी, लेकिन फिर भी वो रिबेका को थोड़ा सा स्माइल करके पार्टी इंजॉय करने को कहती है क्योंकि रिबेका कभी भी स्माइल नहीं करती है। कुछ देर के बाद रैन एलेक्स को प्रपोज करता है और उसके साथ में डेट पर चलने को कहता है, पर एलेक्स उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो किसी और को लाइक करती थी। इधर जैकी ये नोटिस करती है कि केक काटने वाला नाइफ मिसिंग है और हमें पहले से ही पता था कि इविल मिकी माउस उसी नाइफ से लोगों को मार रहा है। उसी समय एलेक्स और ड्रिंक करने के लिए पास के बार में चलने की बात कहती है और सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए राजी थे। उसी चक्कर में जैकी नाइफ वाली बात भूल जाती है। जाने से पहले रिबेका फोन वाला प्लास्टिक बैग अपने साथ में ले लेती है, लेकिन जब सब लोग फ्रंट डोर तक आते हैं तो डोर पर चेन से लॉक किया गया था और ये लोग एलेक्स शॉप पर नहीं लगाती थी। इसकी कीज भी एलेक्स के पास में नहीं थी। ऊपर से उन प्लास्टिक बैग में से उन सभी के फोन मिसिंग थे, साथ ही उन्हें पीछे का दरवाजा भी उसी तरीके से लॉक मिलता है। तब एलेक्स उन्हें बताती है कि उसने कुछ देर पहले मिकी माउस का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी को यहाँ का डोर लॉक करते देखा था और उसे ऐसा लगता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पॉल है क्योंकि वो भी इस समय उनके साथ में नहीं है। तभी पॉल बाथरूम से निकलकर उनके पास में आता है और वो उनको क्लियर करता है कि उसने कोई मिकी माउस का कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। तब उन सबको लगा कि डैनी और गेमा उनके साथ में ये प्रैंक कर रहे हैं। उसी समय स्पीकर पर गेमा बोलती है कि वो उनके साथ में हाइड एंड सीक खेलना चाहती है, अगर उन लोगों ने दोनों को ढूंढ लिया तो वे लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गेमा मर चुकी है, ये बस इविल मिकी माउस उनके साथ में गेम खेल रहा है। फिर भी सभी लोग चाइल्डहुड की तरह इस गेम को खेलने के लिए रेडी होते हैं। इसके लिए सभी लोग अलग अलग जाकर गेमा और डैनी को ढूंढने जाते हैं। जहाँ पर रैन माउस ट्रैप गेम में डैनी और गेमा को ढूंढने जाता है, वहीं उसे इविल मिकी माउस मिलता है और रैन उसी को डैनी समझ कर उससे बात कर रहा था। तब इविल मिकी माउस उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर इसके बाद में वो जाते रिबेका के पास में जो उसी समय वहाँ पर अकेली थी। उसे देखकर रिबेका तो उसे पॉल समझ रही थी, लेकिन जब वो नाइफ से उस पर हमला करता है तब उसे समझ में आता है कि वो कोई और है। उसी समय गलती से रिबेका की टॉर्च लाइट इविल मिकी माउस की तरफ पॉइंट करती है, जिससे कि डर कर वो वहाँ से भाग गया था। मतलब कि इविल मिकी माउस वाइट कलर की फ्लैश लाइट से डरता है। वहाँ से इविल मिकी माउस मेरी के पास में जाता है और अपने नाइफ पर लगा हुआ खून उसके ऊपर फेंकता है। मारी तो उसे पॉल समझ रही थी, पर जब इविल मिकी माउस उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है तो वो किसी तरह रूम से निकलकर अपनी जान बचाती है। यहाँ पर मार्कस हर एक कंट्री की कुछ कैंडीज एलेक्स को गिफ्ट करता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आती है। यहाँ पर एलेक्स उसे कन्फेस करती है कि वो उसे ही लाइक करती है और अगर वो भी उसे लाइक करता है तो उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। मार्कस ये सुनकर बहुत ही खुश था, लेकिन वो एलेक्स को डेट के लिए पूछता उससे पहले ही वहाँ पर मेरी आती है और उन्हें उस इविल मिकी माउस के बारे में बताती है। उसे लगता था कि मास्क के पीछे वो रैन है जो उनके दोस्तों को मार रहा है, क्योंकि उनके बीच में सिर्फ रैन ही ऐसा था जो किसी को मारने के बारे में सोच सकता था। मेरी की बात सुनकर एलेक्स ऑफिस रूम में जाती है म्यूजिक को ऑफ करने और सारी लाइट को ऑन करने के लिए। साथ ही वहाँ पर एक लैंडलाइन था जिससे कि वे लोग पुलिस को कॉल कर सकते थे, लेकिन जब एलेक्स ऑफिस में जाकर लैंडलाइन को चेक करती है तो वहाँ पर बस इविल मिकी माउस ही बातें कर रहा था और कंप्यूटर पर मिकी माउस की फिल्म चल रही थी। फोन पर भी इविल मिकी माउस एलेक्स को गेम कंटिन्यू करने को बोल रहा था, नहीं तो वो उसके सभी दोस्तों को मारने की धमकी देता है। फिर इसके बाद में इविल मिकी माउस
पास के उसी बार में जाता है वहाँ के लोगों को मारने के लिए। उस समय वहाँ पर रैन के दोस्त थे जो उसे मार्कस समझकर एलेक्स से दूर रहने को बोलते हैं। वे सभी उसे मारते हैं। उससे पहले इविल मिकी माउस उन सभी को बहुत ही ब्रुटली तरीके से मार डालता है। दूसरी तरफ एलेक्स, मार्कस और मेरी के पास में आती है और वहाँ के सारे लैंडलाइन्स भी खराब हो चुके थे, तो इसीलिए एलेक्स फायर अलार्म ऑन करने का सोचती है। उस अलार्म की आवाज सुनकर फायर ब्रिगेड वहाँ पर आ जाएगी और वे लोग वहाँ से बचकर निकल जाएंगे, तो इसीलिए तीनों फायर अलार्म की तरफ जाने लगते हैं। तो इधर पॉल ड्रग लेकर टॉय ट्रेन में बैठा हुआ था, उसी समय इविल मिकी माउस वहाँ पर आकर ट्रेन को चालू कर देता है। उस समय पॉल ने ड्रग लिया हुआ था तो इसलिए उसे इतनी स्पीड वाली ट्रेन में बहुत तेज चक्कर आने लगे थे। वो उस ट्रेन को रोकने की रिक्वेस्ट भी करता है लेकिन इविल मिकी माउस उसकी आदत पर मजे ले रहा था। बहुत देर के बाद में इविल मिकी माउस जब ट्रेन को रोकता है तो किसी तरह पॉल खुद को संभाल कर वहाँ से भागता है, तो वहीं उन तीनों को गेमा और डेनी की डेड बॉडीज मिलती है जिससे कि वे लोग भी ज़्यादा डर चुके थे। इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए वे लोग एक साथ में रहेंगे, अकेले रहेंगे तो वे लोग मर जाएंगे। दूसरी तरफ जैकी को वहाँ पर क्या हो रहा है अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो गेम को खेलने में बिजी थी। तभी वहाँ पर इविल मिकी माउस आता है जो उसे थोड़ा सा परेशान करने लगता है। जैकी वो सब अपने दोस्तों का प्रैंक समझ रही थी तो इसलिए वो सब कुछ इग्नोर कर गेम में बिजी रहती है। फिर इसके बाद एलेक्स, मार्कस और मैरी इविल मिकी माउस को फ्रंट डोर के बाहर देखते हैं जहाँ पर से वो उन्हें मारने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद में एलेक्स अकेली फायर अलार्म को ऑन करने जाती है तो वहीं पर मार्कस और मेरी सीसीटीवी फुटेज को चेक करके अपने दोस्तों का पता लगाने जाते हैं। इधर भागते भागते पॉल और रेबेका एक दूसरे से टकराते हैं और कुछ ही देर में इविल मिकी माउस उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। उसी समय सीसीटीवी फुटेज देखकर मार्कस स्पीकर पर पॉल को डायरेक्शन दे रहा था ताकि वो इविल मिकी माउस से बच सके, लेकिन अचानक सीसीटीवी और स्पीकर दोनों काम करना बंद कर देते हैं। पॉल और रेबेका जितना हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे पर रेबेका अचानक से गिर जाती है। तब इविल मिकी माउस उसकी एंकल को कट कर उसे जख्मी कर देता है। इविल मिकी माउस उसे मारने वाला था लेकिन पॉल बीच में आ जाता है और रेबेका को बचाने के चक्कर में पॉल खुद मारा जाता है। वो मिकी माउस एक चाकू पॉल के सर में घुसाकर उसे जान से मार डालता है, तो वहीं पर एलेक्स ने फायर अलार्म ऑन कर दिया था। तभी उसे जैकी मिलती है जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फायर अलार्म एलेक्स ने ऑन क्यों किया। इससे पहले ही एलेक्स कुछ बता पाती, उससे पहले इविल मिकी माउस वहाँ पर आकर जैकी का गला काटकर उसे जान से मार डालता है। अब वो एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर उसी समय एलेक्स के हाथ में टॉर्च लाइट था जिससे कि डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। ये बात जाकर एलेक्स, मार्कस और मेरी को बताती है, तब उन्हें समझ में आता है कि वो मिकी माउस व्हाइट फ्लैशलाइट से डरता है। लेकिन अब 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ जाएगी तो उनके लिए छत तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था। उसी समय वो मिकी माउस स्पीकर पर यह कहता है कि जायना वहाँ पर आ चुकी है और जायना को वहाँ पर हो रही चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है। एलेक्स जायना को बचाने के लिए फ्रंट डोर की तरफ जाती है और उसे 911 पर कॉल करने को बोलती है पर ग्लास की वजह से जायना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसी टाइम वो मिकी माउस जायना के पीछे आकर चाकू से उसके ऊपर वार करके उसे जान से मार डालता है। एलेक्स बस देखती रहती है और अपने दोस्त को बचा नहीं पाती है। एलेक्स को रोता हुआ देखकर वो मिकी माउस बहुत ही एंजॉय कर रहा था। एलेक्स वापस अपने दोस्तों के पास में जाती है और वहाँ पर से उससे रायन जख्मी हालत में मिलता है। मार्कस और मेरी तो उसे क्लियर समझ रहे थे पर जब रायन इन दोनों के साथ में था तो उसी समय वो मिकी माउस एलेक्स के सामने जायना को मार रहा था और इसी कारण रायन क्लियर नहीं हो सकता था। फिर भी एलेक्स रायन के फेस पर फ्लैशलाइट ऑन करती है तब रायन बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है और इसलिए उन सभी को कंफर्म हो जाता है कि वो मिकी माउस कोई और है। अब वहाँ पर एविल मिकी माउस आ जाता है जिसे देखकर रायन उससे लड़ने के लिए जाता है पर वो एक ही झटके में रायन को मारकर उसे बेहोश कर देता है। एलेक्स फिर से फ्लैशलाइट ऑन करती है और तब वो मिकी माउस उसके पास आकर उसके हाथ से उस टॉर्च को दूर फेंक देता है। फिर इसके बाद वो एलेक्स को मारने वाला था लेकिन सही समय पर एक बेसबॉल बैट से मार्कस उसके ऊपर वार कर देता है। रैन भी तब तक होश में आ जाता है और वह एक चेयर को मिकी माउस के ऊपर रख देता है ताकि वो कहीं भाग नहीं पाए। मैरी भी उसके ऊपर फ्लैशलाइट को पॉइंट करती है और तब वो मिकी माउस तड़पने लगता है और हैमर से रैन के पैर पर वार भी करता है लेकिन रैन उसे नहीं छोड़ता है, जिसके बाद में वो हैमर मैरी की तरफ फेंकता है
और तब मैरी के हाथ से टॉर्च गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो मिकी माउस वहां से गायब हो जाता है। अब उनको छत की तरफ जाना था, लेकिन जब तक वो मिकी माउस रहेगा वो वहां तक नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए वे लोग उसे ट्रैप करने का सोचते हैं। ये सभी लोग उस एम्यूजमेंट में अपने बचपन से वहां पर आ रहे थे, तो इसलिए उन्हें सभी रास्ते पता थे। तो वे लोग मिकी माउस को माउस ट्रैप गेम में फंसाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद एलेक्स उस एविल मिकी माउस से एक डील करती है कि अगर वो उन्हें पकड़ पाया तो वे सभी उसके सामने हार मान लेंगे, और अगर वो हारा तो वो उन्हें यहाँ से बाहर जाने देगा। वो मिकी माउस भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद में वे लोग माउस ट्रैप गेम रूम में जाते हैं। वो जब एविल मिकी माउस वहाँ पर आता है तो वे लोग उसके ऊपर फ्लैशलाइट को पॉइंट करते हैं। जब वो एविल मिकी माउस कमजोर पड़ गया था तब मार्कस और रैन उसे पकड़ लेते हैं। अब एलेक्स को लगता है कि गेम ओवर हो चुका है और वे लोग जीत चुके हैं, लेकिन वो मिकी माउस उन्हें व्हाइट फ्लैश लाइट को रेड लाइट में बदल कर वहाँ से गायब हो जाता है। तब तक वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी थी। उन्हें लगता है कि वे लोग बच गए हैं, लेकिन अचानक से वो मिकी माउस फिर से वहाँ पर आ जाता है और इस बार एलेक्स का सर दर्द से अलग करके उसे जान से मार डालता है। मार्कस तो ये सोचता रह जाता है कि वो एलेक्स को भी डेड के लिए नहीं पूछ पाया। अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस रिबेका की इन बातों को बिलीव नहीं करती है, क्योंकि रिबेका को वो बातें भी पता थी जो वो बाकी लोगों के साथ में नहीं थी। अब सब जगह की बातें तो सिर्फ किलर को ही पता हो सकती थी, तो इसलिए पुलिस रिबेका को लॉकअप में ही बंद रखती है। फिर उस रात को वो एविल मिकी माउस रिबेका के पास में आता है और लॉकअप को खोल देता है। रिबेका उसे देखकर स्माइल कर रही थी, जिसके बाद में वो पजस हालत में उसके पीछे जाने लगती है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, इस मूवी में कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है कि वो मास्क कहाँ से आया, रिबेका कैसे जिंदा बच गई, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी शो पीस की तरह एम्यूजमेंट आर्केड के मालिक ने इसे खरीदा होगा। बाकी दिनों में ये मास्क बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उस दिन फ्राइडे 13th था। अब हॉरर के फैन को अच्छी तरीके से पता होगा फ्राइडे 13th एक एविल दिन है, जिस दिन ह्यूमंस के बीच में इविल स्पिरिट आ जाती है। शायद इसी वजह से कोई इविल स्पिरिट उस मास्क में आ गई होगी और उसने सबसे पहले साइमन को पजेस किया, जिसके बाद में उसने सबको मारना शुरू किया। और एविल स्पिरिट हमेशा वाइट लाइट और पॉजिटिव चीज़ों से डरती है, तो इसलिए शायद वाइट फ्लैशलाइट को पॉइंट करते ही वो मिकी माउस कमजोर हो जाता था। अब यहाँ पर रिबेका सिर्फ जिंदा बची थी, और रिबेका बाकी लोगों से बहुत ही अलग थी, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा बहुत ब्लैक और एविल की तरह था, और वो कभी भी स्माइल नहीं करती थी। ऐसे लोगों से एविल बहुत ही जल्दी कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए शायद उस मिकी माउस ने उसे अपने लिए इस्तेमाल करने का सोचा, और तभी उसने रिबेका को नहीं मारा। वो मिकी माउस शायद अपने लिए एक एविल आर्मी खड़ी करना चाहता था, तो इसलिए उसने रिबेका को पजेस किया और अपने साथ में उसे ले गया। अब मूवी में मैरी, मार्कस और रायन को मरते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रिबेका ही जिंदा बची थी, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि एलेक्स को मारने के बाद में उस मिकी माउस ने उन तीनों को भी मार दिया होगा, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वापस सारी मूवीज़ को डालता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।